देहात के नेतृत्व में, एक सीओ देवबंद के नेतृत्व में, एक स्वाट की टीम और एक सर्विलांस की टीम, ये पांच टीमें लगातार सभी जगह सभी तरह से कार्य कर रही थी। इसी क्रम में फिर जांच पड़ताल करते करते तमाम साक्ष्यों के आधार पर गाड़ी और इसके अलावा जो मोबाइल से कई नंबरों पर काम किया गया उसकी डिटेल और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ये तथ्य निकल कर सामने आया कि ये चार लड़के थे और ये अपनी गाड़ी में जो थे उसी गाड़ी से इन्होंने 28 तारीख को ये अपने एक मित्र के साथ मिलकर मेरठ से लौटे थे और मुजफ्फरनगर होते हुए ये रोहाना टोल पर पहुँचे। वहाँ टोल पर चंद्रशेखर आज़ाद आ रहे थे, उनका काफिला था। इन्होंने पूछा कौन आ रहा है तो लोगों ने बताया कि चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ पर आ रहे हैं, उधर से कई समारोह में सम्मिलित होने जा रहे हैं। पूछताछ में लड़कों द्वारा बताया गया कि पिछले कुछ महीनों से जो चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा दिल्ली और पश्चिमी यूपी में जगह जगह बयानबाजी की जा रही थी और ये लड़के कह रहे थे उस बयानबाजी से हम लोग बहुत आहत थे और उल्टी सीधी बातें बोली जा रही थी, इसीलिए अचानक इन्होंने प्लान किया कि हम लोग फायरिंग करेंगे और ये घटना करेंगे। फिर ये लोग वहीं से टोल के बाद से ही चंद्रशेखर आज़ाद की गाड़ी जो थी उनके पीछे लग गए और वो अपने एक मित्र की, अपने एक कार्यकर्ता की मदर की डेथ हुई थी, वहाँ संवेदना प्रकट करने गए थे। वहाँ से जब निकले तब इन चार लड़कों ने उनकी गाड़ी पर फायर किया। कुल तीन राउंड फायर किए गए थे। गाड़ी जो चला रहा था वो लड़का का नाम बिक्की है जो कि हरियाणा का रहने वाला है और एक बिक्की जो कि देवबंद थाना क्षेत्र का रहने वाला है, रणखंडी का, वो पीछे बैठा हुआ था। एक लड़का लविस है जो ड्राइवर के बगल में बैठा हुआ था और एक लड़का प्रशांत है जो ड्राइवर के जस्ट पीछे बैठा था। इस तरह गाड़ी में कुल चार लड़के थे। बिक्की गाड़ी चला रहा था, लविस उसके बगल में बैठा था, बिक्की हरियाणा के पीछे प्रशांत बैठा हुआ था और लविस के पीछे बिक्की रणखंडी बैठा हुआ था। जो फायरिंग की गई वह पीछे के दोनों लड़कों द्वारा की गई है और ये 315 बोर के तमंचे से फायर किया गया है। जो प्रशांत ड्राइवर के पीछे बैठा था उसने एक राउंड फायर किया है और जो लविस के पीछे बैठा था बिक्की रणखंडी, इसने दो राउंड फायर किए हैं और चलती गाड़ी से फायरिंग की गई है। फायरिंग करने के पश्चात ये लोग वहाँ से भागे और गाड़ी में तेल खत्म हो गया तो एक गांव में इन्होंने गाड़ी छोड़ दी और उसके बाद गाड़ी छोड़ के ये खेतों की तरफ भागे और यहाँ से ये अपने आप को ये शिफ्ट अपने हरियाणा चले गए। हरियाणा में ये वहाँ से किसी अन्य मामले में चाह रहे थे कि किसी तरीके से कहीं हम जेल चले जाएँ और पकड़े ना जाएँ। लगातार सूचना प्राप्त होने पर फिर SSP सहारनपुर द्वारा एक टीम तत्काल हरियाणा रवाना की गई और अंबाला में वो टीम पहुंची और वहाँ की टीम को थाने में इन्होंने अपना आमद कराई और वहाँ की टीम को साथ लिया और इन्होंने त्वरित तौर पर एक ढाबे पे इन चारों अभियुक्तों की गिरफ्तारी की और इनकी गिरफ्तारी की गई है और गिरफ्तारी करने के पश्चात इनको यहाँ लाया गया है। आज अभी इनका मेडिकल करा के माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, उसके पश्चात अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। विवेचना इसकी राजपत्रित अधिकारी द्वारा, एक टीम द्वारा इसकी विवेचना की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे वो सारी चीज़ें फिर आप लोगों से हम शेयर करेंगे। इधर आ जाओ। नहीं, हथियार इनके पास मौजूद थे, हथियार इनके पास मौजूद थे और इनकी पहले भी क्रिमिनल हिस्ट्री है। 1.8 लाख की लूट इनमें से कुछ के द्वारा पहले देवबंद में की जा चुकी है। 307 के मामले हैं एक व्यक्ति को गोली मारने के और इस तरह से इन पे कुछ न कुछ मुकदमे पहले के भी हैं जो कि पूरा डिटेल हमने प्रेस नोट में मेंशन कर दिया है, वो आप लोगों से हम लोग शेयर कर रहे हैं। कार भी इन्होंने तभी इनके पास पहले से थी। कार जो डायडो बिक्की हरियाणा का है उसी की कार थी ये और वो कार टैक्सी के तौर पर भी चलाता है तो वो आता जाता रहता है चारों तरफ, उसी की गाड़ी में ये चारों व्यक्ति बैठे हुए थे। नहीं, पूरी काफी बेहद इनसे पूछताछ हुई है, पूछताछ में निकल कर आया है। पूर्व में इन्होंने कई बार, इनमें कई ऐसे हैं जिनका ही कहना था पूर्व में, ये चंद्रशेखर जो है उनसे ना इनकी कभी मुलाकात हुई है ना कभी देखा है उन्होंने इन्हें। जो बयान इनके पिछले कुछ महीनों से लगातार हो रहे थे, इनका कहना है कि उल्टे सीधे बयानों से हम लोग खार खाए हुए थे, इस कारण इन्होंने ये तत्कालिक तौर पर ये हमला किया। नहीं, अभी तक की पूछताछ में कहीं ऐसा कोई तथ्य निकल कर नहीं आया है और इसमें से एक व्यक्ति हरियाणा का है जो टैक्सी है वो गाड़ी चलाता है और इनमें एक अभिषेक है जो ड्राइवर के पीछे बैठा हुआ था, वो भी पूर्व में गुड़गांवा और गाजियाबाद में जॉब करता था किसी फैक्ट्री में और वो जॉब छोड़ के एक साल पहले वापस आया। तो वित्तीय रूप से बहुत संपन्न नहीं है और ना ही इनके पीछे किसी का अभी तक खाता पाया गया। इनकी अभी ऐसा कुछ नहीं मिला है जिसकी फैमिली बैकग्राउंड में बुरा हो। हाँ, लवीस जो है, लवीस का चाचा है, वो देवबंद जेल में बंद रहा है, उसके ऊपर इनके द्वारा 10-10 मुकदमे बताए गए हैं जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है। पूर्व में भी लवीस जो है वो देवबंद में जेलर के ऊपर भी फायरिंग की गई थी घटना, उस घटना में 307 में आरोपी था और उसमें वो जेल गया था।
देखिए राजनीतिक बयानबाजी तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम लोग जो साक्ष्यों के आधार पर विवेचना है उसके तथ्य पे आपको सारी चीजें बता रहे हैं। काफी बृहद पूछताछ की गई है, सारे वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र किए गए हैं, बहुत सारी फुटेज एकत्र की गई है, बहुत सारी चीजें हुई है जो इन्वेस्टिगेशन के पार्ट है जो हम लोग इन्वेस्टिगेशन में सामने लाएंगे। हाँ मैंने आपको बताया अभी उसका उसके खिलाफ कोई मुकदमा अभी तक संज्ञान में नहीं आया है, और वो टैक्सी जो गाड़ी थी वो गाड़ी टैक्सी के तौर पे भी चलाता है और वहाँ से जगह से ले जाता है। ये आपस में मित्र बने थे 2-2.5 साल पहले, जो बिक्की हरियाणा के हैं उनकी रिश्तेदारी रणकंडी में है और आपस में रिश्तेदारी थी तो आते जाते थे, फिर आते जाने से ये दोस्त बन गए जी। अभी ये चीज़ देखी जा रही है, कास्ट की जाँच पड़ताल हम लोग कर रहे हैं। अच्छा ये गाड़ी वहाँ पर छोड़कर क्यों भागे? इनका तेल खत्म हो गया था गाड़ी से, जैसा कि आप लोग को बताया गया कि ये बहुत पहले प्लान नहीं था, ये अचानक प्लान हुआ था, इसलिए ये मेंटली प्रिपेयर उस चीज के लिए नहीं थे। गाड़ी का तेल खत्म हो गया घटना के बाद, तो गाड़ी इन्होंने वहां से छोड़ा और वहां से फिर ये फरार हुए। देखिए पुलिस सुरक्षा के लिए तत्पर है और उसी का परिणाम है तत्काल ये घटना खुली गई और उनके साथ भी सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई गई है और सभी व्यक्तियों की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है और वो हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं। इनका मकसद केवल चंद्रशेखर को डराना था या जान से मारना? जिस तरह से फायरिंग की गई है उसका उद्देश्य तो मारना ही था। अब गोली जैसे भी थी, 3 गोलियां चली थी, 1 गोली जो है वो उनकी कमर को छूते हुए निकली थी साइड से लग के, और बाकी 2 गोलियों में 1 गोली पीछे शीशे पे लगी थी और 1 गोली आगे नंबर प्लेट पर लगी थी। हरियाणा पुलिस का योगदान, जो भी विधिक प्रक्रिया होती है कि जब भी हम कहीं जाते हैं किसी दूसरे प्रदेश में या दूसरे थाना क्षेत्र में, तो वहां पर हमारी टीम जीडी में एंट्री कराती है। हमारे पास भी अगर बॉम्बे या कहीं से पुलिस किसी अपराधी को पकड़ने आती है तो वहां एंट्री कराई गई है, एंट्री कराने के बाद उनको बताया गया, बाकी अगर कोई समस्या होती तो सहयोग लिया जाता। हाँ वहाँ जब हमारी टीम पहुंची है, रवानगी की है, तो उनसे बात की गई है कि आप लोग साथ रहें और ताकि ऐसी कोई बात ना हो कि कल पे ये आरोप पुलिस पर लगे कि पुलिस ने कहीं गलत गिरफ्तारी की है या नियम संगत नहीं है, इसलिए उनको प्रॉपर बता के सारी कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। पर्याप्त सुरक्षा बल उनको अभी उपलब्ध करा दिया गया है, आरक्षी उनके साथ सुरक्षा में लगाए गए हैं और आगे भी एक कमेटी होती है सुरक्षा की जो सभी सुरक्षा की समीक्षा करती है LIU, तो सारे तथ्यों को भी देखा जा रहा है और उस आधार पर इसको आगे कंटिन्यू किया जाएगा। इस संबंध में DGP महोदय द्वारा जो भी टीम काम कर रही थी इसमें, उनको त्वरित 72 घंटे में इस घटना का अनावरण करने के कारण 50,000 रुपये का इनाम दिया गया है और इसके साथ ही जो भी राजपत्रित अधिकारी SSP सहारनपुर और उनकी टीम में सारी लगे हुए थे, इन सभी को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जा रहा है। घटना के बाद जब तेल खत्म हो गया तो वहां से ये भागे और ये खेतों में कुछ देर छुपे रहे, उसके बाद वहां से निकले और निकल के ये लोग हरियाणा अगले दिन पहुंचे हैं 29 तारीख। हाँ हथियार बरामद हो गए हैं और वो हथियार बरामद हो गए हैं, वो सील कर लिए गए हैं और उस हथियार को हम लोग फोरेंसिक साइंस लैब में भेज रहे हैं। जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तब तो उनके पास कोई हथियार नहीं था, इन्होंने कहा? कुछ चीजें विवेचना के विषय हैं जो डिटेल में हम आप लोग को न्यायालय से रिमांड के बाद आप लोग को और भी चीजें हम लोग शेयर करेंगे। 2 घटना में 2 तमंचे प्रयुक्त हुए थे 315 बोर के और 2 बरामद हुए हैं, प्रेस नोट में हमने डिटेल दे दिया है उसका, उसको आप लोग देखें, उसमें सारी चीजें मेंशन है। थैंक यू। पुलिस ने PC करके बताया कि उन्होंने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मुझे UP पुलिस की काबिलियत पे पहले से कभी शक नहीं था, लेकिन मेरा मानना है पुलिस सरकार की होती है और जो सरकार कहती है पुलिस उस हिसाब से काम करती है। जल्दबाजी में कुछ पुलिस की तरफ से इस तरह के बयान दिए गए जो मैं समझता हूँ कि जिनकी जरूरत नहीं थी, बिना जानकारी के, बिना ब्लास्टिंग रिपोर्ट के कह देना कि गोली जो है वो 315 बोर के कट्टे से चली और हमने कट्टे बरामद कर लिए, या बिना बहुत सारी जानकारियां जो तथ्य जो हैं उसमें हैं कि 4 नौजवान लड़के जिनको ये भी नहीं पता कि खाना किस तरह खाते हैं, वो आके किसी पे गोली चला देंगे, और जिस तरह की पुलिस ने कहानी गढ़ के बताया कि भाई अचानक से टोल पर उनको पता लग गया कि चंद्रशेखर आ रहे हैं तो हम हमला कर देते हैं। हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और उत्तर प्रदेश के सरकार के कार्य करने के तरीके और अपने राजनीतिक विरोधियों को निपटाने के तरीकों को भी हम लोग जानते हैं। किसी को CBI ED इनकम टैक्स से निपटा रहे हैं, किसी को मुकदमों से जेलों में ठूस के जबरन झूठे मुकदमे लगा के झूठे गवाह तैयार करके निपटा रहे हैं, और जो उनसे नहीं बचे हैं उनको गोली के जरिए जो है निपटाने काम कर रहे हैं। इसलिए मैं अभी जाँच के कई तथ्य हैं और जाँच लंबी चलने वाली, मुझे उम्मीद है कि पुलिस बिना किसी दबाव के निष्पक्ष जो है
वो इन्वेस्टिगेशन करेगी और इसके पीछे कौन है, किसने किसके कहे पे, किसके इशारे पे, किसने पैसा दिया, हथियार कहाँ से आए, ऑटोमेटिक पिस्टल्स कहाँ से वो बरामद हुई, कौन कौन इसके पीछे है, कौन मॉनिटर कर रहा था, कौन जो है रेकी कर रहा था, इन सब की जाँच हो। इसलिए भी जरूरी है कि आज मेरे साथ है, कल किसी और के साथ ना हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विपक्ष के लोग बड़ी मजबूती से जो है अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। और ये तो उत्तर प्रदेश है, यहाँ तो चुनाव सजा होने के बाद पता लगता है कि डीएम साहब के दबाव में मुकदमे लिखा गया था, बाद में वादी मना कर देता, लेकिन तब तक बहुत कुछ बदल जाता तस्वीर। पुलिस के आज के खुलासे से आप संतुष्ट हैं या नहीं? मैंने कहा कि मैंने उनको पर्याप्त समय दिया कि वो अपनी कार्रवाई को, गिरफ्तारी की प्रक्रिया आगे बढ़ाए, तो गिरफ्तारी हुई है। मुझे नहीं लगता कि जिन्होंने इतना बड़ा हत्याकांड, नहीं तो पुलिस ने कहा ना, आपने सुना कि भाई वो हत्या करना चाहते थे, तो जो हत्या करना चाहता था उसके पीछे कोई बड़ा कारण हो, छोटा कारण नहीं हो, जिस तरह कारण को आप हवाला दे रहे हो। और मैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में हूँ, संविधान को मानता हूँ, मैं जहाँ तक मैं मानता हूँ, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, आप सब लोग जानते हैं, मैंने किसी को बुरा ना कहा ना किया। मैंने प्रयास किया कि जिसके भी साथ खड़ा हो पाऊँ, जिसकी भी मदद कर पाऊँ, जिसके भी आंसू पहुँच पाऊँ। और ये मैंने सीखा अपने जो सीनियर लोग हैं उनसे, आजम भाई उनमें से एक शख्सियत है जिनसे मैंने सीखा किस तरह से लड़ाई लड़ी जाती कमजोरों की। तो मुझे लगता है कि अभी उनको जल्दबाजी ना करते हुए, माहौल शांत है, हम लोगों ने लोगों को शांत रखा है, हमने अपील की है, उस समय ईद का त्यौहार था, हमारे कंधों पर जिम्मेदारी थी, हमने लोगों से अपील की, लोगों ने हमारी बात को माना, तो वो जल्दबाजी ना करें, बिना ब्लास्टिंग रिपोर्ट के कह देना कि गोली कौन सी, हमें पता है गोली कौन सी, तो जल्दबाजी ना करें, सारे जो जितने भी जो तथ्य हैं, जितने भी जो दिशाएं, उन पर सब पे काम करें, क्योंकि जहाँ तक हम जानते हैं कि हो सकता है किसने पैसा दे के कराया हो, क्योंकि वो तो नौजवान बच्चे, उनको इतनी जानकारी नहीं है, उनको ये भी एहसास नहीं था कि ये करने के बाद क्या होगा, तो इसलिए इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था प्रदेश स्तर पर भी और देश स्तर पर भी। इसलिए मैं प्रयास करूँगा कि सरकार के दबाव में जल्दबाजी ना करें और जिम्मेदारी से जाँच को आगे बढ़ाएं और सभी तथ्यों पर जाँच करें। और मुझे अभी भी पुलिस के कुछ अच्छे अधिकारी हैं, उनकी कार्यशैली भरोसा है कि वो सरकार के दबाव में काम नहीं करेंगे, और उम्मीद है कि फेर जांच होगी और ये पता लगेगा इसके पीछे कौन है। कल की जो आप लोगों की घोषित पंचायत है उसके बारे में? अभी मैंने लीडर्स को बुलाया सब लोगों को, और मैं चाहता हूं कि पुलिस को पर्याप्त समय मिले जिससे कि आसानी से वो अपने कार्य को आगे बढ़ा पाए, ये ना हो कि हम इसमें फंसे रहे इसलिए हमने कार्रवाई को में ढिलाई बरत दी। तो आज शाम तक उसकी स्थिति 6 बजे 6:30 बजे क्लियर हो जाएगी, और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उनको समझाने में कामयाब हो जाऊँ कि क्योंकि कावड़ का समय आ रहा है और मोब अच्छा नहीं है, नुकसान हो सकता है, मैं कोशिश करूंगा कि किसी भी तरह का जुटान ना। देखिए, जब आप पे हमला हुआ तो आपने ये कहा था कि हमारे सहयोगियों ने, साथियों ने उन लोगों को पहचान लिया था, तो जिस प्रकार उनके आज आपने देखा प्रेस वार्ता हुई, तो क्या लगता है वही व्यक्ति थे? नहीं, दिखाए नहीं, आपने देखा क्या? दिखाए, आपने देखा हो तो मीडिया के लोगों ने बताओ, फोटो भी वायरल हो चुके हैं, आपने देखा हो? नहीं, पुलिस की कार्यशैली ऐसी, फोटो किसी का दिखाते हैं, जाता कोई है, हथियार कोई होता है, लगाया कोई जाता है, पकड़ते कहीं से है, दिखाते कहीं से है, तो इतने कम समय में कट्टे से तो फायर नहीं हो सकते लगातार, और फायर 6-7 हुई है, 3 नहीं हुई है, तो मैं कह रहा हूँ ना, अभी जांच कर लें, जल्दबाजी ना करें। मैं समझता हूँ उनके कंधों पर जिम्मेदारी, उनको सरकार को जवाब देना है, लेकिन सरकार भी ध्यान रखे कि इस तरह का माहौल ना बनाए कि लोगों में भय का, आप कानून व्यवस्था तो अच्छी कर नहीं पा रहे, इस तरह की बेवकूफ़ी की बातें करने से कोई फायदा नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि पुलिस जाँच किसको सही ओर ले जाएगी और जाँच को भटकाने काम नहीं करेगी।